हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। अगर आपको भी रोज़ नया नया नाश्ता खाने की शौकीन है तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए प्रोटीन से भरपूर एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कुछ सिंपल स्टेप्स और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जिसकी वजह से आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने तीन तरह की दाल ले ली है। हमने ली है चने की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। आपके पास और भी हो तो आप मिक्स कर सकते हैं और इनको हम 2 घंटे के लिए सोख करके और वापस से लहसुन और मिर्च डाल के पीस लेंगे। थोड़ी सी हमने हरी मटर भी ऐड कर दी है क्योंकि सीजनल है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग बाउल में डालते हुए हम इसमें हरी धनिया, प्याज, बेसिक मसाले, हल्दी, नमक और चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम गैस पे पैन की तरफ, डालेंगे थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हम इसको सैलो फ्राई करने वाले हैं, तो इसकी छोटी छोटी टिकिया बना के हम इसको सैलो फ्राई कर लेते हैं। इसको हेल्दी बनाने का हमने पूरा ध्यान रखा है इसलिए हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। बस देखिए ऐसी छोटी छोटी टिकिया बना के आप चाहें तो अपने मनपसंद का इसमें शेप भी दे सकते हैं, पर मैं इसको सिंपल गोल शेप दे रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा हमने इसमें पनीर ग्रेट किया है जो इसको और भी हेल्दी बनाएगा और टेस्टियर भी बनाएगा। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला जो कि इसको बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगा। और ऊपर से ऐड करते हैं रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। इसको लगेंगे 2 से 3 मिनट एक साइड सिकने में। जब एक साइड से ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन हो जाए, फिर हम इसको चेंज कर देंगे, इसका साइड पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगते हैं पूरी तरह से एक बैच को रेडी होने में। इसको आप हरी धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको चीज़ी डिप या फिर कोई चीज़ी रोल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हमारा देसी नाश्ता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं। फुल प्रोटीन डाइट है आपकी। हफ्ते में अगर आपने 2 दिन खा लिया तो जीवन भर आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। रेडी है हमारा नाश्ता। ऊपर से इसको हम पनीर ग्रेट करके गार्निश कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इसको सर्विंग करेंगे। तो हमने इसमें हरी धनिया की चटनी बनाई है बढ़िया चटपटी सी, उसके साथ हम इसकी सर्विंग करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।